हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा www.scholarships.gov.in वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आप सामने देख सकते हो को आपको इस तरह की वेबसाइट नजर आ रही है। इसमें अलग अलग तरह की जो स्कीम्स हैं उसकी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे एनओएमएस के लिए, मिनोरिटी के लिए, जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, एससी स्कॉलरशिप है, कंपोनेंट 1-2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आज की वीडियो में सीखेंगे कि अपने आप को अपने रजिस्टर कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए, और उसके बाद लॉगिन कैसे करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कैसे अपलोड करने हैं। जब हम scholarships.gov.in वेबसाइट ओपन करेंगे, आप देख सकते हो कि लिखा है scholarships.gov.in, तो इस तरह की जो विंडो है आपको सामने नजर आएगी। जैसे हमने 2023-24 के लिए लॉगिन किया है वैसे ही आपको ये विंडो नजर आएगी। आप नीचे देख सकते हो कि अगर किसी स्टूडेंट ने न्यू अप्लाई करना है तो वो एप्लीकेंट कॉर्नर में जाएगा, उसको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक फॉर्म नजर आएगा इस तरह का, उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह पढ़ लेनी है। उसके बाद लास्ट में लिखा आ रहा है आई एग्री टू फॉलोइंग द और आई एम अवेयर दैट, ठीक इंस्ट्रक्शन वो बता रहा है कि मैं स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहा हूँ, कि जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं मैं उनसे एग्री हूँ। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, जहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद सेंड ओटीपी करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीसेंड ओटीपी लिखा नजर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ओटीपी सेंड कर दिया है उस नंबर पे जो रजिस्टर्ड है, नंबर मैंने यहाँ पे हिडन रखा है। सो आप अपना मोबाइल नंबर भर के सेंड ओटीपी क्लिक करोगे, जैसे ओटीपी भरोगे कैप्चा कोड भरोगे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन एक नजर आएगी, इसमें लिखा रहा आई हैव आधार, जहां पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। मैंने आधार कार्ड नंबर को भी इनक्रिप्टेड कर दिया है, ये सिंबल आ रहा है, क्लिक करोगे तो आधार कार्ड नंबर आपको अपना नजर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे वो आधार कार्ड नंबर भरना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपने फिल करना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। पहले हमने वो मोबाइल नंबर भरा है जो हम स्कूल में हमने नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड वाला आपको नंबर भरना पड़ेगा। और उसके बाद गेट ओटीपी, आपको ओटीपी, मुझे जैसे ये ओटीपी आया उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड लिखा नजर आ रहा है। जैसे मैंने ओटीपी भरना है, कैप्चा कोड भरना है, तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली जो डिटेल होगी वो सामने नजर आ जाएगी। मैंने एप्लीकेंट नेम भी हाइड कर दिया है, यहाँ पे आपका नेम, आधार कार्ड नंबर, स्टार्टिंग वाले जो 8 डिजिट होंगे वो एक्स की फॉर्म में आएंगे, आगे 4 डिजिट नजर आएंगे, देन जेंडर में फील्ड में जो भी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये नजर आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ रहा है कि एंटर द फॉलोइंग डिटेल, जिसमें स्कॉलरशिप टाइप, स्कॉलरशिप कैटेगरी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड और रजिस्टर, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखो एप्लीकेंट ने मैंने हाइड कर दिया है, ये ऑटोमेटिकली आएगा, आधार कार्ड नंबर भी खुद आएगा, मेल फीमेल भी खुद आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी, एड्रेस भी और फोटो भी। उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना स्कॉलरशिप स्कीम, जहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम, आपने स्कॉलरशिप स्कीम पे क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी आएगी प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, आप देख लो कि अगर आपके क्लास 9th 10th है या नीचे है तो प्री मैट्रिक आएगा, अगर +1 +2 है तो पोस्ट मैट्रिक आएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल क्या है, जैसे मान लो आप पंजाब में हैं तो हमने पंजाब भर दिया, बाकी जिस भी स्टेट से आप, वो डोमिसाइल आपने फिल करना है। उसके बाद फादर नेम फिल करना है जो आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली या स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली है, देन मदर नेम और उसके बाद ईमेल आईडी, देन कैप्चा। कैप्चा के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के एक विंडो आपको नजर आएगी जिसमें आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, आपने इस नंबर को नोट कर लेना है। अगर नोट ना भी करो तो जो आपने नंबर दिया है उस नंबर पे जो आईडी वो चली जाएगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब दो बार ओटीपी आ गया, एक बार मोबाइल नंबर का, एक बार आधार कार्ड का। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ गया लॉग इन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, जहां पे एप्लीकेशन आईडी जो पीछे आपने देखी है
कि ये वाली PB20232401 और आगे जो भी डिजिट्स होंगी वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद पासवर्ड। अब आप सोचोगे पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपके फोन पे चला गया है एप्लीकेशन आईडी के साथ ही। नॉर्मली जो पासवर्ड है वो आपका होगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2005, तो आपने पासवर्ड लिखना है 28/09 और उसके बाद 2005 जो भी आपने किया है वो आपका, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो स्लैश डाल के पासवर्ड होगा, पहले डेट फिर स्लैश फिर मंथ फिर स्लैश फिर ईयर चार डिजिट में। फिर बोल रहा है कैप्चा कोड, नीचे कैप्चा कोड आ रहा है। जैसे आप आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, अब क्या होगा एक ओटीपी आपके फोन पे दोबारा जाएगा। वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गया है। अगर आपको लग रहा है कि ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे नहीं पे आया तो आप चेंज मोबाइल नंबर भी कर सकते हो, अदरवाइज वो जिस मोबाइल नंबर पे आपने स्टार्टिंग ओटीपी भरा है उसी पे ही ओटीपी जाएगा, बट आप मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपने ओटीपी भरा जो मोबाइल पे आया, आपने क्लिक करना कंफर्म ओटीपी। उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा पासवर्ड चेंज करने का। स्टार्टिंग जो आपको पासवर्ड आया वो क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे आप आके पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो। अब जो पासवर्ड है उसमें आपने याद रखना है कि जो पासवर्ड है उसमें अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर होने चाहिए। कोशिश करिए कि पहला लेटर बड़ा हो, बाकी आप छोटे कर सकते हो, और बीच में स्पेशल सिंबल यूज करके नंबर यूज कर सकते हो। मतलब पासवर्ड ऐसा हो जो बाद में आपको याद रहे। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि इस तरह की जो वेलकम स्क्रीन है वो आपके सामने नजर आएगी, वेलकम स्टूडेंट, जहां मैंने खुद अल्टर किया है, जहां पे उस स्टूडेंट का नाम आएगा जिसने अप्लाई करा है, और उसकी जो आईडी जो हमें मोबाइल पे आई थी मैसेज के रूप में वो यहां पे लिखी नजर आ जाएगी। अब जो इस तरह का फॉर्म आ रहा है, उसके बाद आपने जैसे ही आगे क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, आप देख रहे हो तो इस तरह का फॉर्म खुलेगा जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट अपने आप लिखा आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी अपने आप आएगा, मेल फीमेल भी। यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी जिस भी कैटेगरी से आप हो। उसके बाद कैटेगरी एससी बीसी जनरल जो भी कैटेगरी आपकी है वो सिलेक्ट होगी। जैसे मान लो प्री मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एससी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फादर नेम मदर नेम, देन एनुअल फैमिली इनकम, मतलब आपके पास जो एनुअल इनकम वाला सर्टिफिकेट है उसमें जो इनकम भरी हुई है वो यहाँ पे आएगी। मुझे याद रखना है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का होना चाहिए क्योंकि आगे वो अपलोड होगा। आधार कार्ड नंबर खुद आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है जहाँ पे पहले का भरा हुआ, यहाँ पे ईमेल आईडी आपने जो पहले भरी थी वो खुद आ जाएगी, नहीं तो आप टाइप कर सकते हो। आगे ऑप्शन आएगी डे स्कॉलर या हॉस्टलर, जी आपने देखना कि अगर आपका आप डे स्कॉलर हो, आपको स्कूल मानो स्कूल 9 बजे लगता है, 3 बजे छुट्टी हो जाती है, डे स्कॉलर हो, और कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टलर वाला आएगा क्योंकि दोनों को जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अलग अलग है। अब आगे आके यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, तो आप अपने स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे, मैंने इंस्टीट्यूशन स्टेट सिलेक्ट करी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट करा पठानकोट, और उसके बाद हम करेंगे गेट इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन एंटर्ड कोड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे पंजाब पठानकोट, तो यहाँ मैंने लिखा कि सर्च में गर्ल्स, क्योंकि मैंने गर्ल्स स्कूल सिलेक्ट करे तो गर्ल्स में ऑप्शन आ रहे हैं आर्या गर्ल्स, नोट मेहरा, बेगोवाल, मालटाउन और जीट पर गर्ल्स पठानकोट। इनमें से मान लो मेरा स्कूल 541 वाला है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो कहेगा कि जो आपका स्कूल है, मैंने थोड़ा इसको ब्लर कर दिया है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा हमारा जो स्कूल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ गया, मैंने कुछ कुछ कटिंग करी है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपने भरना है जैसे 12189 एडमिशन नंबर, जो आपके टीचर ने आपको एडमिशन नंबर दिया है वो भरना है। उसके बाद एडमिशन ईयर, अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है वो एडमिशन ईयर हम यहाँ पे भरेंगे, क्लास का रोल नंबर और उसके बाद सेक्शन, देन प्रेजेंट क्लास और कोर्स कि आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है, कि आपकी प्रेजेंट क्लास 9th है, 10th है या कौन सी है, वो सिलेक्ट करनी है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, बाकी किस डेट को आपने क्लास में एडमिशन ली भी ली थी ये भी आपको आपके टीचर से मिल जाएगा। देन मोड ऑफ स्टडी, रेगुलर फुल टाइम, लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, मैंने 9th क्लास का डाटा भर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 8th। उसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर,
मार्च 2023 में बच्चा पास हुआ है और इसलिए 2023 आ गया, और जो आपकी परसेंटेज है लास्ट क्लास की वो आपने यहाँ पे भरनी है। उसके बाद अगर आप एनएमएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपने एनएमएमएस सेलेक्ट करना है, देन कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट जैसे एससीईआरटी पंजाब सिलेक्शन बोर्ड, देन आपका रोल नंबर और एग्जाम ईयर किस ईयर में आपने पास करा है वो यहाँ पे आएगा। अब नीचे अदर डिटेल्स आएगा, अदर डिटेल में आएगा ऑर्फन, गार्डियन नेम, अगर बच्चा अनाथ है उसके गार्डियन नेम, अगर डिसेबल जेस नो हैंडीकैप वो हैंडीकैप की कैटेगरी चुननी है, देन उसका जो आईडी नंबर उसको मिला हुआ हैंडीकैप सर्टिफिकेट का वो भरना पड़ेगा। डिसेबिलिटी की टाइप आ गई, देन डिसेबिलिटी कितने परसेंट है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, और पेरेंट्स प्रोफेशन कि पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है, उसके बाद क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह ऑप्शन आएगा, ये लास्ट स्टेप है इसका, जिसमें स्टेट जैसे मैंने पंजाब, होम डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, देन अर्बन या रूरल, अगर बच्चा गांव में रहता है तो रूरल आएगा, अगर शहर में रहता तो अर्बन आएगा। उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर जो आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा है, देन पिन कोड आपके शहर का आ जाएगा। आप नीचे देख सकते हो क्या लिखा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्री मैट्रिक कॉलेज विद एससी स्टूडेंट्स क्लास 9 10 10th, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं 9th क्लास के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ, सेम ऐसा ऑप्शन ही 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आएगा। अगर आप एनएमएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एनएमएमएस लिखा आ जाएगा, अगर मन्योरिटी है तो मन्योरिटी वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आके आपने इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बैंक अकाउंट की पासबुक की कॉपी और बोनाफाइड आप जहाँ से डाउनलोड करके सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे उस पर जो स्टूडेंट है उसकी फोटो चिपकानी है, स्कूल के हेड के साइन करवा के ये सारी चीज़ें जो है अपलोड होंगी। ये पीडीएफ भी अपलोड हो सकती है और जेपीईजी भी, बट ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट है उसका जो साइज है वो 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो आपने फाइनल सबमिट करना है। प्री मैट्रिक एससी के केस में अगर आप ये आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे पहले चार तो फाइनल सबमिट नहीं होगा। बोनाफाइड चाहे ना भी अपलोड करो तब भी सबमिट हो जाएगा फाइनल, बट अगर आपने ये चार डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और स्कैंड कॉपी पासबुक एंट्री की जो है आपकी पासबुक की है वो अपलोड नहीं करी तो स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।